आलू का और गाजर का भरता हमने कैसे बनाया है ये जानने के लिए वीडियो बिना स्किप किए पूरी लास्ट तक देखें। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर आलू का भरता, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हाय एवरीवन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। इस तरीके से हम अपने सभी गाजरों को साफ कर लेंगे। मैंने सारी गाजर अच्छे से क्लीन कर ली हैं। इन गाजरों को मैं गोल काट लूँगी और इसी तरीके से मुझे अपनी सारी गाजरें काटनी है। हमने अपनी सभी गाजरों को गोल साइज में काट लिया है। हम आलू के दो पीस कर लेंगे, इससे क्या होता है हमारे आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं। अब हमें ये उबाल लेने हैं। ये हमने उबालने के लिए रख दिए हैं गाजर और आलू। हमारे आलू और गाजर अच्छे से उबल गए हैं, ये देखो। ये हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं, इन्हें हमें ठंडा करना है और आलू का हमें छिलका निकाल लेना है। हमने अपने सभी आलू का छिलका निकाल लिया है। ये हमारी गाजरें ठंडी हो गई हैं, अब हमें इन्हें निचोड़ लेना है। हमने निचोड़ लिया है। इस तरीके से हमें अपनी सारी गाजरें निचोड़ लेनी है। इस तरीके से हमें अपनी सारी गाजरें निचोड़ लेनी है। हमने अपनी सभी गाजरों को निचोड़ लिया है। ये हमने अपना सारा सामान तैयार कर लिया है। ये उबले हुए आलू हैं, गाजर, टमाटर, कटी हुई प्याज और ये हमने कुछ हरी मिर्च काटी हैं। अब हमें गाजर और आलू को एक जगह मिक्स करना है। आलू जो थे हमें इन्हें फोड़ लेना है गाजरों के साथ ही। हमने अपने आलू को अच्छे से फोड़ लिया है। अब हमें गाजर और आलू को एक जगह अच्छे से मिक्स करना है। इससे पहले हमें इसमें कुछ मसाले डालने हैं। ये रेड चिली पाउडर है, मतलब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच। ये हम नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। इसे सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसे अच्छे से गरम करना है। हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपना जीरा डाल रहे हैं। हमारा जीरा अच्छे से हो गया है। अब इसमें हमें अपनी प्याज डालनी है। हरी मिर्च जो हमने बारीक चॉप की थी, इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। गाजर है वो इसमें हमने डाल ली है। उसे अच्छे से मिक्स करके हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है। हमने जो अपना बारीक टमाटर काटा था अब डालना है इसमें। हमें ये लास्ट में डालना है, तेल में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छी नहीं बनेगी। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक ये ऑयल में फ्राई करना है, मतलब भूनना है इसे तेल में। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी गाजर का सीज़न शुरू ही हुआ है, इसलिए ये गाजर रेड कलर की नहीं आ रही है, इसलिए हमारी गाजर का कलर पता ही नहीं चल रहा है। ये
ये आलू के भरते जैसा लग रहा है, लेकिन ये गाजर और आलू का भरता है। आप इसके भरकर पराठे बना सकते हैं। पराठे ही बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बच्चे इसे बहुत अच्छे से खाते हैं। लास्ट में हमें इसमें अपना हरा धनिया ऐड करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है सभी को। ये बन करके रेडी है। हाय एवरीवन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।